हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिल्पी शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल होलिस्टिक हीलिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेज के बारे में जो बेली फैट को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेंगी। कुछ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज जैसे कि रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इससे पूरी बॉडी का फैट लॉस में हेल्प मिलती है और साथ ही बेली फैट भी कम हो जाता है। बट यहाँ मैं बात करूँगी उन एक्सरसाइजेज के बारे में जो मेनली बेली फैट पर काम करती हैं, यानी कि एब्डोमिनल मसल्स पर काम करती हैं। पहले हम चार मेन एब्डोमिनल मसल्स के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, जो कि डीपेस्ट मसल होती है और ट्रंक को स्टेबलाइज करने का काम करती है। दूसरी है रेक्टस एब्डोमिनिस, जो कि रिब्स को पेल्विक बोन के साथ जोड़ती है और सिक्स पैक इसी मसल में बनते हैं। तीसरी है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल के राइट और लेफ्ट साइड पर होती है और ट्विस्ट करने में हेल्प करती है। फोर्थ है इंटरनल ओब्लिक मसल, ये भी ट्विस्टिंग में हेल्प करती है और हिप बोन के अंदर की साइड होती है। तो आइए अब जानते हैं उन एक्सरसाइज के बारे में जो कि मेनली एब्डोमिनल मसल्स पर काम करती हैं। इसमें सबसे पहले है क्रंचेस, खासकर रिवर्स क्रंचेस बेली फैट को कम करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल पर काम करता है, साथ ही ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल को टारगेट करता है, जिससे कि एब्डोमिनल एरिया टोन्ड होता है और कोर स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है प्लैंक्स। प्लैंक पोजीशन को होल्ड करने से कोर स्ट्रेंथन होती है, स्पेशली साइड प्लैंक से एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स एक्टिवेट होती हैं, जो हमारे स्पाइन और पेल्विक एरिया को स्टेबलाइज करती हैं। तीसरी है रशियन ट्विस्ट, ये एक्सरसाइज मेनली कोर के सभी पार्ट्स को, खासकर ऑब्लिक मसल्स को टारगेट करती है। इसके साथ साथ शोल्डर और हिप की मसल्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं। इसमें कोर, ऑब्लिक और ग्लूट्स, इन सभी पे ये एक्सरसाइज काम करती है। इसमें मेनली टॉर्सो को साइड टू साइड रोटेट करना होता है, इसके लिए आप वेट होल्ड करके भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज है लेग रेजेस, ये बेसिकली लोअर एब्डोमिनल मसल्स को टारगेट करती है, जिससे कि ये एरिया टोन्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें एब्डोमिनल मसल आइसोमेट्रिकली यूज होती हैं, इसीलिए बॉडी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। ये मेनली रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को स्ट्रेंथन करता है। इसके अलावा हिप फ्लेक्सर, हैमस्ट्रिंग एंड लोअर बैक के सभी मसल्स को टारगेट करता है। पांचवी एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर्स, इसमें मेनली अल्टरनेट नी टू चेस्ट मूवमेंट होती है इन अ प्लैंक पोजीशन, जो कि आपके कोर को एंगेज रखता है और हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ये एक तरह से फुल बॉडी वर्कआउट है, क्योंकि ये शोल्डर, हैमस्ट्रिंग, कोर, ट्राइसेप्स, क्वाड्स, इन सभी पे काम करता है। ये कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी है और कार्डियो एक्सरसाइज भी है। तो ये सभी एक्सरसाइजेस डिलीवरी के बाद जो बेली फैट होता है उसमें भी काम करती हैं, खासकर डायस्टेसिस रेक्टाई पर भी ये काम करती हैं। तो अगर ये सभी एक्सरसाइज पर आप फोकस करें तो बेली फैट को जल्दी से कम कर सकते हैं। ऑल्दो एक्सरसाइज करना तो इम्पॉर्टेंट है, बट इसके साथ साथ हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल को भी अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये बहुत ही बेटर रिजल्ट दे सकती है। और हमेशा कोई भी नया वर्कआउट शुरू करने से पहले किसी फिटनेस प्रोफेशनल से सलाह ज़रूर लें, खासकर अगर आपको पहले से ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।